अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कराची से आई हूँ अपने शौहर के साथ, और शौक था हमें कि बकरियाँ लेकर और हम पालें और फिर उसमें से जो है ना नस्ल बढ़ाएं, लेकिन फिल वक्त सीजन के लिए आए और माशाल्लाह से साबिर भाई को देखकर, इनकी वीडियोस देखकर आए थे, और बाकी यहाँ पर आए तो जैसा सुना था वैसे ही है माहौल। बाकी इनका काम जो है ना बड़े पैमाने पर है और काफ़ी लोग यहाँ पर, मैं देख रही हूँ सारा दिन मुझे हो गया, सुबह तकरीबन 7 बजे से लेके ये टाइम हो गया, तो लोगों की डिलीवरी लोगों के साथ इनकी तकरीबन 24 घंटे ही है माशाल्लाह से इनका काम। तो अब हमने भी लिए इनसे 10, अभी लिए फर्स्ट टाइम 10 बकरे लिए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर रोजी में बरकत दी तो नेक्स्ट टाइम तो इनसे बाकायदा ईद के बाद ही जो है ना, मैंने अपने शौहर से कहा है कि ईद के बाद इंशाल्लाह ताला विदाउट सीजन के हम लेकर इनसे बकरियाँ भी और छोटे बच्चे भी और बकरे भी लेकर बाकायदा ये काम करने का इरादा है मेरा। तो आप लोग भी आए और माशाल्लाह से जैसा इनका है वीडियो वगैरह बनाते वैसे ही है यहाँ पर माहौल। और इधर भाजी आपने देखा है कितने शहरों से लोग हैं, कितना माशाल्लाह से। हाँ, मेरे सामने तो काफी लोग इस्लामाबाद से भी और पिशावर से, लाहौर से, कराची से भी हमारे साथ लोग आए हैं, तो माशाल्लाह से है कारोबार इनका। अजय, कराची कौन से गाँव से आए हैं आप? हम कराची आए मौसमियात से, मौसमियात का इलाका है, डाव हॉस्पिटल है, यहीं से आए हम। अच्छा, ये घर के छत पे शौक करेंगे भाजी या घर के अंदर आपने पालेंगे? नहीं, ये हमारी जगह है, मेरे बेटे की है जगह, वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना माना गाय वगैरह भैंस वगैरह है वहाँ पर, तो ये वहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो रखेंगे हम विदाउट सीजन के तो वो अपने घर पर ही करेंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे बहनें देख रही है, उनको शौक करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक साफ सुथरा काम है और माशाल्लाह बरकत वाला काम है, अंबिया का काम है ये और हलाल रोजी है, और इस दौर में, महंगाई के दौर में जहाँ नौकरियाँ नहीं है बच्चों को, तो मेरे ख्याल में ये काम करना चाहिए, कोई इसमें इस तरह से कोई मसला नहीं होता कि भाई यहाँ कोई यहाँ पर आएंगे पता नहीं बोला एक चीज़ें देते दूसरी चीज़ें, इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं है। आप जैसे लोग हैं, जैसे साबिर भाई हैं, तो ये लोग मदद करते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन भी देते हैं ये लोग। हाँ, लेडीज के लिए नौकरी करना वैसे मुश्किल है ना, हक लाल का रोजगार करें, ईद के लिए सीजन लगाएं, हर बंदा बेटों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने शौहर के साथ कंबाइन करके इंसान कर सकता है ये काम, अच्छा काम है माशाल्लाह। हमारे गांव देहातों में बहुत ज्यादा जो है ना जानवरों का लोग शौक कर रहे हैं, बकरियां पाल रहे हैं, हमारी लेडीज पाल रही हैं ज्यादातर माशाल्लाह। माशाल्लाह से शहर में भी है ये चीजें, और भी लेडीज हैं शहर में जो ये सीजन का माल जो है ना अपनी, जैसे उनके पास पैसे होते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख बचे हुए होते हैं घर में रखे हुए, तो वो कहती हैं हम इन्वेस्ट कर रहे घर में, तो रखे वैसे उतने ही रहेंगे, तो वो सीजन के लिए इन्वेस्ट, और भी लेडीज है वो भी करती हैं। तो आपने कितने का माल खरीदा है भाजी? तकरीबन मैंने 5 लाख के अराउंड में। 5 लाख के कितने जानवर लिए? तकरीबन 10 जानवर। 10 जानवर लिए ना, अगर अल्लाह पाक ने बरकत डाली तो आपके 20-25 लाख के हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत डाले, और इनकी गाड़ी जो है ना इधर से आपकी गाड़ी जाएगी ना? हाँ इंशाल्लाह, हमारी गाड़ी यहीं पे 6:30 बजे तक का वेट कर रहे हैं, तो गाड़ी आएगी यहीं से, हम अपना माल लेके और हम खुद भी साथ ही जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, जो कराची वाला टाइम है ना व्यूअर, ये जैसे गाड़ियाँ गुजर रही है ना जीटी रोड के ऊपर डेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर शौक के कारोबार के लिए जानवर ले, इंशाल्लाह ताला अच्छा बिजनेस है, हर बंदे की ख्वाहिश है यार हम बकरे पालें, छतरे पालें, बकरियां पालें, ईद का सीजन लगाएं भजन इंशाल्लाह ताला। आप सीजन लगाएं, देखें मंडी में जाने से बेहतर है ख्वार होने से, जलील होने से। आप साबिर गोट फार्म पे हैं, एक तो रेट अच्छा मिल रहा है और लोग गाड़ियां भर भर के लेके जा रहे हैं सीजन के लिए। भजन अगर आपने आना है या भाई हैं या हमारी बहनें देख रही हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर से, तो आप साबिर गोट फार्म पे हैं मेन रोड के ऊपर, रेट आपको अच्छा मिलता है, आपको लेडीज हैं उनके लिए सहूलत अलग है और मर्दाना सहूलत अलग है, अल्हम्दुलिल्लाह साबिर गोट फार्म पे पूरी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जब भी आए कॉल करें, ये दो नंबर मेरे पर्सनल नंबर हैं, ये व्हाट्सएप मैं चलाता हूँ 0336-232-7777। आप जीटी रोड के ऊपर हैं साबिर गोट फार्म पे कॉल करें, आपको हर तरह की हेल्प, हर तरह की सहूलत इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। साबिर गोट फार्म पाकिस्तान का बाइतमाद इदारा है। माशाल्लाह मेहमान आ चुके हैं, कौन से शहर से हैं और कितना माल लिया है ईद के लिए माशाल्लाह। ईद की तैयारियां हर बंदे की शुरू हैं, और भाई अपना तारुफ भी कराएंगे और इधर आके कैसा फील किया ये भी बताएं। बहुत अच्छा फील किया जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आके साबिर भाई ने बहुत अच्छा माल दिया। मैं गुजरहान से हम आए हैं और इनकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो देख देख के हमें शौक हुआ इधर आने का। वैसे हम 8-10 साल से ये काम करते हैं सिर्फ कुर्बानी पे, तो अभी हमने 4 मंथ पहले पहली दफ़ा ज़िंदगी में 4 महीने पहले हमने स्टॉक ले लिया है, तो बड़ा अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। हमें बहुत अच्छा, इन्होंने तावन किया हमारे साथ,
अच्छी चीजें लेके दी हैं इन्होंने। और गुजर खान का एड्रेस भी बताएं और माशाल्लाह से इधर कैसा आपने फील किया है? बहुत अच्छा फील किया जी, हमने आके हम शहर गुजर खान जीटी रोड पे हमारी रहायश है और शहर के हम, तो बहुत अच्छा यहाँ पे फील किया जी हमने आके अल्हम्दुलिल्लाह। शहर कौन सी जगह पे जी? शहर कौन सी जगह पे? शहर बिल्कुल पास शहर में ही नहीं, कोई चौक की कोई नादरा ऑफिस के पास हमारी रहायश है। नादरा ऑफिस माशाल्लाह गुजर खान, गुजर खान जी टी रोड। अल्लाह पाक खुश रखे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इधर कितने मेहमान है देखे थे आप? मेहमान इधर बहुत सारे आए हुए हैं जी, लोग आ रहे हैं लेके जा रहे हैं माल, गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी इनके पास आएंगे और इंशाल्लाह ऑनलाइन भी मंगवाएंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह पाक खुश रखे व्यूअर इंशाल्लाह ताला। और इन्होंने खसी बकरे लिए हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह खसी बकरे लिए हैं, दो बकरियां ली हैं और सात बड़े बकरे, छह बड़े बकरे हैं, छोटा सात बकरे लिए हैं। चलो अल्लाह पाक खैर खुशे पहुँचाए व्यूअर। ये जीटी रोड के ऊपर हमारी लोकेशन है, डेरा गाजी खान की मंडी विजिट करनी है तो आप साबिर गोट फॉर्म पर लाजमी आए इंशाल्लाह ताला। रेट भी अच्छा, मंडी का रेट भी मुनासिब आपको करके देंगे और फार्म का रेट भी आपको इंशाल्लाह ताला फुल प्यार मोहब्बत करके साथ आपको इंशाल्लाह ताला देंगे। भाईजान आए हैं और अपना तारुफ भी कराएंगे कौन से शहर से आए हैं और कितने अरसे से इसको शौक था, वीडियो देख देख के आज पहुंचे है और इसने माल खरीदा और अपना तारुफ भी खुद कराएगा भाई इंशाल्लाह। भाई मेरा नाम है उवैस और मैं कराची का रिहायशी हूँ, फॉरिंग 6051 सीखा और मेरे को काफ़ी टाइम से शौक था इस चीज़ का, दो ढाई साल से मैं देखता हुआ आ रहा था, फिर आज मैं आया हूँ यहाँ पे और साबिर भाई ने बहुत कोऑपरेट करा मुझे, रात में लेने के लिए आए, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत सारा कोऑपरेट करा इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे जानवर दिलाए मुझे, बहुत कम रेंज में ढूंढ के बहुत कोऑपरेट करा। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो सिर्फ बैठ के सोचते हैं कि वो भी यहाँ पर आएँ और काम को स्टार्ट करें, स्टेप लें काम करने के लिए। बाकी जो लोग कहते हैं वहाँ पर बैठ के कि साबिर भाई ऐसे वैसे, वो सिर्फ झूठ कहते हैं क्योंकि हमने आके लाइव देखा है, बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और कितना माल लिया कराची कौन सी जगह से आए हैं? मैं कराची कोरंगी 51 सी से आया हूँ और मैंने माल 8 लिया है। तो लोगों ने आपको क्या कहा हुआ था? बस लोग यही कहते थे कि नहीं जाओ और ये होता है वो होता है ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, जब बंदा आता है तो उसको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा आपके साथ हमारा सफ़र और बहुत सारा कोऑपरेट करा। नाम क्या है भाई का? नाम मेरा उवैस वारसी। उवैस भी देखें लोगों के सुने सुनाई बातों पे लोग ना जाएं, ठीक है ना, जो हकीकत आंखों से चेक करें ना वो सबसे बेस्ट यही होता है आपके सामने। अरे कितना रश है आज सारा दिन भाई माशाल्लाह, इतना रश था। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, साबिर भाई के भाई की शादी थी हमारे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे नसीब अच्छा करे। बाकी साबिर भाई उसके बावजूद भी हमें बहुत टाइम दिया उन्होंने और इतना रश है माशाल्लाह, इतना रश है, अल्लाह पाक और तरक्की दे भाई के काम में कि बैठने की फुर्सत नहीं है भाई। अल्लाह पाक खुश रखे और खैर खुशी पहुँचाए, थैंक यू। देखो व्यूअर माशाल्लाह से आपके सामने एक गाड़ी, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सौदा हुआ है, मेहमान आए हुए हैं कौन से शहर से आए हैं और कितना माल लिया है और इधर आके कैसा फील किया है और ये डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं और मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये भैया हैं माशाल्लाह से, अपना तारुफ भी कराएं, इधर आके कैसा फील किया वो भी बताएं। मेरा नाम जी फरहान है, सांबाज से आया हूँ साबिर भाई के पास, इनकी वीडियोज़ को भी पिछले दो ढाई साल से देख रहे हैं, बड़ी बेहतरीन वीडियोज़ माशाल्लाह आती थी, हमने कहा चलो एक बार जाते हैं दूसरा देखते हैं इनके साथ, तो अभी इधर आए हैं, बड़ा मज़ा आया, जानवर भी हमने ख़रीदे हैं माशाल्लाह और थोड़ा हिसाब भी अच्छा पड़ गया हमें, कार्गो वगैरह भी इन्होंने करवा दी है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल। चलो वो तो कर दी हैं, जो आपने वीडियो में चीज़ देखी थी वही चीज़ मिली है या नहीं? वही चीज़ मिली। तो टोकन आपने हमें कितना भी कराए हैं, जो हमें समझ नहीं आए हैं यहाँ आके वीडियो में थे वो हमने चेंज भी कराए हैं। और सिकंदर को आपने कितना टोकन किया हुआ था? सिकंदर को हमने 30,000 टोकन किया था। 30,000 इस भाई ने भेजा होता है, इसने कहा सिकंदर भाई ये मेरे 20 बकरे अलहदे कर दो, तो मैंने ये भी वीडियो में बोला था, मैंने कहा अगर आपको कोई बकरा समझ ना आए ना आप चेंज कर सकते हैं। भाई ने 5 बकरे चेंज किए हैं अपनी मर्जी से, 50-60 बकरा खड़ा हुआ था, इसने अपनी मर्जी से निकाला, मर्जी से जो ना पसंद किया, हमने कोई बात की नहीं कही। भाई आपको कैसा लगा इधर आके? जबरदस्त लगा। और आगे क्या पैगाम देंगे भाइयों? आगे ये पैगाम है कि हम तो दोबारा भी इंशाल्लाह आएंगे और इनसे लेंगे, अभी हमने और भी चीजें लेनी है तो आप लोग भी आए लें, ईद का सीजन लगे। जैसे मैं लाटे लगा रहा था ना इंटरनेट पे, मैं बोलता हूँ यार सिकंदर से आप रब्ता कर लें तो इसको टोकन बयाना कर दें, जो अच्छा चीज इंसान है जी हमारा, इससे बड़ा अच्छा ताल्लुक सा बन गया, बहुत अच्छा इंसान है साबिर भाई। अच्छा, इस्लामाबाद कौन से गांव से आए हैं? हम जी 11 से आए हैं जी। और ये माल रखेंगे कहाँ पे? सन्याड़ी में हमारा फार्म हाउस है, उधर रखेंगे, पास ही है। चलो आज हफ्ते का दिन है ना जी जी। चलो अल्लाह पाक खुश रखे और ये माल जो है ना अभी रवाना हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ। भाई
ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਰਕੋਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਬਿਕਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਟਲਾ ਅਰਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਥ ਮੰਡੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਬਰ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆਵਨ ਝੋਨਾ ਤਾਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਾ अच्छा गुजरात का आपने एड्रेस नहीं बताया भाई जनाब गुजरात जिला गुजरात तहसील खारियां ते पिंड कोटला अरबली खान अच्छा ये उधर से आए हैं आप जी जी माशाल्लाह 600 किलोमीटर बनता है तकरीबन और कितना माल आपने खरीदा जनाब लाट पूरी खरीदी है 27 बकरे खरीदी है माशाल्लाह से और ये इनके माल जो है ना लोडिंग अनलोडिंग आपके सामने हो रहा है व्यूअर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ठीक है ना सीजन लगाने के लिए ये माशाल्लाह 80 बकरे लेके जा रहे हैं और इन्होंने लिए हैं कीमत इनसे पूछते हैं भाई इधर आना एक मिनट और इससे रेट पूछते हैं कितने में लिए ये भाई पहले तो आप अपना नाम बताएं इफ्तिखार अहमद नाम है इफ्तिखार भाई आपने जो हमसे माल लिया है किस रेट में लिया है ये जनाब 38,000 में फी नग लिया है तो पहले जो भाई खड़े थे मैं तो बिजी हो गया था शादी पे तो आपने 42,000 भी बोला उसने बोला नहीं देना जी 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 बिल्कुल मैंने आपके साथ कितनी मोहब्बत की बिल्कुल बहुत तावन किया आपने इंशाल्लाह फिर हम दोबारा भी आएंगे इधर तो गुजरात से देख रहे हैं लोग उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं लोग इधर आते हुए डरते हैं ना जी जनाब आप इनका एड्रेस लिख लें ये साबरकोट फार्म है इनका इधर बहुत अच्छा रेफरेंस है और लोग भी बहुत अच्छे हैं और कितना रश था आज देखा आपने जी जी आज खुद आप देख लें ये कैमरा हमारे इधर पता चले कितना रश है चलो अल्लाह पाक खैर खुशी पहुँचाएं और ये माशाल्लाह लेके जा रहे हैं और गुजरात में मुख्तलिफ शहरों से और भी मेहमान आए हुए हैं और व्यूअर आप देखें ईद के दिन नज़दीक होते जा रहे हैं ना माल महंगा होता जा रहा है आप साइज बड़ा लें या छोटा लें 50 वाला लें 60 वाला लें 70 वाला लें मिल जाएगा और भैया है साबिर भाई बहुत अच्छा आदमी है हम मर्दान से आए हैं बहुत मेहमान नवाज लोग हैं जो भी माल खरीदना है इधर आओ यार ये बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और रेट में भी अच्छा देता है अपना तारा बिक रहा है ना हम मर्दान से आया है मर्दान अच्छा ये माशाल्लाह कराची वाला भाई खड़ा हुआ है कराची कौन से गांव से आए हैं कराची में कोरंगी 651 सी कोरंगी 6 और कितना जानवर आपने लिया मैंने 8 लिए 8 जानवर लिए माशाल्लाह और यूसुफ भाई ने लेके दिया ना माल यूसुफ ने लेके दिया हाँ यूसुफ हमारा साथ किया उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा सौदा हमारे लिए किया था इंशाल्लाह और भी हमारे साथ डिस्काउंट करेगा जरूर आना इधर यार और दोस्तों को पैगाम देना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख ले 0340-45-45-743 अपनी मर्जी से ना जाए ये पहले भी अपनी मर्जी से गए उधर माल नहीं मिला इसको मैं इसके साथ किया ये कहता है यार हमें सौदा लेके दे अच्छा खरीदारी की है कैसे खरीदारी की आप यूसुफ पे उनको दलालों ने कितना दोस्तों भाई के पास आ जाओ ठीक है अच्छा जब मैं मंडी पहुँचा हूँ आपके उधर कितना दलाल आपको पकड़े थे काफी लोग थे काफी मैंने आपको क्या बोला भाई चले मेरे फार्म पे आप आराम करें खाना खाए इधर आके आपको कैसा फील किया आपने जनाब बहुत तावन किया बहुत अच्छे लोग हैं मैंने तो बताया नहीं इसमें बार बार यूसुफ के भाई की बात ही नहीं की आपने अल्लाह खैर करे यार भाइयों अच्छा इसको दलालों ने पकड़ा हुआ था बहुत दलाल कम से कम 50-60 दलाल था मैंने इसको छुड़वाया मैंने बोला यार क्या ले रहे हैं इसने बोला हम साबिर भाई से रब्ता किया साबिर भाई मंडी पे नहीं मैंने उसको बोला भाई की आज शादी है उसके भाई की मैंने काट दिया फिर इसी मेरे साथ आ गए इधर फार्म पे माशाल्लाह अच्छा फील्ड किया इसने बकरे लिए और जो दोस्त रब्ता करें इंशाल्लाह व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले भी बताया 0340-45-45-743 मेरा व्हाट्सएप नंबर है चलो अल्लाह पाक खुश रखे व्यूअर जब भी दिल करे आप आए आपको हर तरह की सहूलत साबिर गोट फार्म पे मिलेगी रात को है दिन को है कोई मसला नहीं है आपको पूरी भरपूर तामन भी होगा इंशाल्लाह ताला और ये कौन सा शहर है कराची है सियालकोट बाबा जी सियालकोट बाबा जी सियालकोट सियालकोट कौन से गांव से जाट कौन से जाट सलाम अलैकुम अच्छा भाई तारफ करें भाई जान मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है मैं सियालकोट से आया हूँ सियालकोट कैंट एरिया से तो इधर साबर भाई के पास आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास बहुत अच्छे जानवर हैं कुर्बानी के लिए हर किस्म का जानवर आपको मिल जाएगा और ये अच्छे लोग हैं
तावन भी अच्छा करते हैं, मेहमानवाजी भी करते हैं, ठीक है, मोहब्बत भी करते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये अपना बस थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, बकाया इनका जो काम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बकरी सेल करना है। तो ये मेरा आप लोगों से भी यही मशवरा है कि आएँ इधर साबर गोट फार्म पे डेरा गाजी हाँ, और इधर आके ना साबर भाई से जो है ना आप खरीदो फरोख करें। और आप सियालकोट कौन से गांव से आए हैं? मैं सियालकोट कैंट के साथ है गांव भोजपुर, रेंजर रोड गांव भोजपुर। और कितना माल लिया टोटल आपने? हमने लिए हैं 7 पीस लिए हैं बड़े और 2 पीस छोटे लिए हैं। 9 जानवर। और माशाल्लाह कितना रश होता है इधर, देखा आपने सारा दिन? हाँ जी माशाल्लाह। दूसरे नंबर भाई शादी नहीं खिलाई है लोगों ने, मजा आ गया। अल्लाह पाक खुश रखे आपको, थैंक यू।